हेलो दोस्तों मैं डॉक्टर कौशल यादव फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे और आज हम सीखने वाले हैं बेल्स पालसी जो कि इम्पोर्टेंट है फॉर द यूनिवर्सिटी एज वेल एज फॉर नीट एमडीएस सो लेट्स स्टार्ट बेल्स पालसी सो बेल्स पालसी सबसे पहले कुछ पॉइंट्स है जो कि हमें याद रखने हैं फर्स्ट पॉइंट सेवेंथ नर्व पैरालिस बोलते हैं इसको और फेशियल पैरालिस बोलते हैं तो बेल्स पालसी जो होता है वो सेवेंथ नर्व जो कि जो सेवेंथ क्रेनियल नर्व है जो कि फेशियल नर्व है उसमें पैरालिसिस होने की वजह से होता है सो so ये याद रखना है वेरी इंपॉर्टेंट सेवेंथ नर्व पैरालिसिस और फेशियल पैरालिसिस ओके दिस इज मोस्ट कॉमन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स एफेक्टिंग द क्रेनियल नर्व ये सबसे कॉमन है ओके okay? जो सेवेंथ नर्व पैरालिसिस होता है जो फेशियल पैरालिसिस है वो मोस्ट कॉमन है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर थर्ड पॉइंट इट इज एन अब्रप्ट आइसोलेटेड यूनिलैटरल पेरिफेरल फेशियल नर्व पैरालिसिस विदाउट डिटेक्टेबल कॉज ओके तो ये क्या होता है ये यूनिलैटरल होता है वन साइड ऑफ द फेस को अफेक्ट करता है और ये Nerve है, जो कि कॉज इसका कभी कभी नहीं पता लगता है आप डिटेक्ट नहीं कर पाओगे ओके कि ये किस वजह से हो रहा है ओके तो ये याद रखना है यहाँ पे देन फोर्थ पॉइंट बेल्स पाल्सी इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फेशियल पैरालिसिस वर्ल्ड वाइड ओके ये याद रखना है नाउ अगर बात करें एडियोलॉजी की तो ये इडियोपैथिक फेशियल पैरालिसिस है बिकॉज़ इसका कॉज नहीं पता है आपको इसलिए इसको कहा गया है इडियोपैथिक फेशियल पैरालिसिस कभी कभी माना गया है कि ये हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस से भी होता है सो सो मैनी कॉज आर देयर वी हैव टू नो तो हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस से भी ये कभी कभी देखा गया है होता है या तो फिर इनफ्लामेशन ऑफ द फेशियल नर्व विथ रिजल्टेंट इडिमा कॉज नर्व कॉम्प्रेशन वाइल इट पास थ्रू टेंपोरल बोन जब ये बोन से पास होता है अगर फेशियल नर्व में इन्फ्लेमेशन हो गया तो जिसकी वजह से क्या होगा इडिमा होगा और वो नर्व कॉम्प्रेशन करेगा नर्व कॉम्प्रेशन हो गया तो उसकी वजह से भी पैरालिसिस हो सकता है ओके फोर्थ पॉइंट इंफ्लामेटरी भी हो सकता है डिमाइलिनेटिंग भी हो सकता है इससेमिक और कंप्रेशन प्रोसेस में इंपेयर न्यूरल कंडक्शन एट दिस यूनिक साइट तो ये सब भी कॉजेस है बाल्स बेल्स पाल्सी के ओके okay? याद रखेंगे अब क्लिनिकल फीचर्स की अगर बात करें तो इट बिगिंस एब्रप्टली एज पैरालिसिस ऑफ द फेशियल मस्कुलेचर यूजुअली यूनिलैटरल मैंने आपको पहले ही बताया था ये यूनिलैटरली होता है वन साइड ऑफ द फेस में होता है और जो फेशियल मस्कुलेचर है उसको पैरालिसिस कर देता है okay? ओके ये हेरिडिट्री फैक्टर्स भी होता है प्लेअर रोल इन द इटियोलॉजी ऑफ द डिजीज ऐसा माना गया है कि हेरिडिट्री भी हो सकता है इसमें वुमेंस आर एफेक्टेड मोर देन मैं ओके वुमेन्स में ज्यादा होता है ज ग्रुप आर मोस्ट सबल ये भी याद रखना है मिडिल एज ग्रुप वाले लोग ज्यादा एफेक्टेड होते हैं इसमें मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन स्प्रिंग सीजन स्प्रिंग सीजन में ज्यादा देखा गया है ये देख सकते हैं मोस्टली फीमेल्स अफेक्टेड होते हैं यहाँ पे ओके सो वन साइड ऑफ द फेस आर एफेक्टेड सो वन बाय वन वी विल डिस्कस मोर इट मे डेवलप्स विद इन अ फ्यू आवर्स और प्रेजेंट द पेशेंट इन मॉर्निंग इसमें होता क्या है या तो ये कभी भी स्टार्ट हो जाता है या तो कभी कभी जब पेशेंट मॉर्निंग में उठता है तब ये ऐसा फील होता है लाइक वन साइड ऑफ द फेस पैरलाइज्ड होता है आईब्रोज फोर हेड्स रिंकल्स नहीं आते हैं आईब्रो आई क्लोज नहीं होता है ढंग से तो ये बहुत सारे क्लिनिकल uh, फीचर्स है one इन सम केसेस इट इज बाय पेन ऑन द साइड ऑफ द फेस व्हिच इज अल्टीमेटली इन्वॉल्व पर्टिकुलरली विद इन द ईयर टेंपल और मैस्ट्रॉइड एरिया एट द एंगल ऑफ द जॉ इसमें क्या होता है अगर ये पैरालिसिस होता है तो पहले क्या होता है हल्का हल्का पेन होना शुरू होता है वो भी कौन से वन साइड ऑफ द फेस पे ये टेंपल रीजन पे मेस्ट्रॉइड एरिया पे एंगल ऑफ द जॉ पे हल्का हल्का पहले पेन होना स्टार्ट होता है उसके बाद आपको एकदम पैरालिसिस हो जाएगा एकदम से ओके okay. इसमें क्या होता है ड्रूपिंग ऑफ कॉर्नर ऑफ माउथ यहाँ पे क्या होता है तो वही होता है कॉर्नर ऑफ द माउथ फ्रॉम विथ सलाइवा में रन ऐसा होता है यहाँ पे वॉटरिंग ऑफ द आई हो जाता है इनबिलिटी टू क्लोज और आई विच लीड टू इन्फेक्शन क्या होता है कि इस फिगर में आप देखिए तो ये जो वन साइड ऑफ द फेस है ये पैरालाइज्ड है जब पेशेंट ने आई क्लोज किया तो इसका जो ये आई है वो क्लोज नहीं हो रहा है जब ये आई क्लोज नहीं हो रहा है ओपन रहेगा तो ऑफकोर्स राइट सी बात है ये वॉटरिंग ऑफ द आई होगा वॉटरिंग ऑफ द आई होगा ओपन है तो इन्फ्लेम्ड होगा तो ये याद रखना आपको फिगर से समझ जाएंगे और फिर इसमें क्या होता है जो फेस होता है आपका एक्सप्रेशनलेस होता है इसमें जब paralyzed होता है तो एकदम जो face होगा पेशेंट जब patient, जब स्माइल करेगा ना तब आपको अच्छे से दिखेगा कि हाँ इसको पैरालाइज है सिंस कॉर्नर ऑफ द माउथ डज नॉट रेज कॉर्नर ऑफ द माउथ रेज नहीं करेगा आप ये देखिए फिगर में मान लो अगर पेशेंट तो okay? ये ये और, और तो जो फोर है उसमें रिंकल्स नहीं आएंगे रेज्ड नहीं होगा तो ये भी चीज नोटिस करना है पेशेंट हैज मास्क लाइक और एक्सप्रेशनलेस लेस अपियरेंस मैंने बताया था आपको ये भी इंपॉर्टेंट याद रखना है इसमें स्पीच और ईटिंग यूजली बिकम डिफिकल्ट पेशेंट खाना भी नहीं खा पाएगा बोल भी नहीं पाएगा ढंग से बिकॉज़ एक साइड पैरलाइज है ढंग से बोल भी नहीं पाएगा ओकेजनली द टेस्ट सेंसेशन ऑन एंटीरियर पोर्शन ऑफ द टंगस्ट जो टेस्ट सेंसेशन है एंटीरियर रीजन में वो भी लॉस्ड हो जाएगा बिकॉज नर्व पैराल इसी वजह से नाउ ये देखिए इस फिगर में देखिए ये जो पेशेंट है एक्सप्रेशन लेस फेस है मास्क लाइक फेस आपको दिखेगा ऐसा ही आप पहचान सकते हैं हाँ इसको बेल्स पालसी है ओके अगर माइल्ड नेचर है तो डिजीज रिग्रेशन हो जाएगा स्पॉन्टेनियसली विथ सेवरल वीक्स टू मंथ माइल्ड नेचर है तो वो एकदम कुछ हफ्तों में अपने आप नॉर्मल हो जाता है बट अगर ये परसिस्ट है तो वो ईयर तक रहेगा एक साल दो साल तक रहेगा ये अगर हम ट्रीटमेंट एंड प्रोग्नोसिस की अगर बात करें तो नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फॉर बाल्स पाल्स इसके लिए कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है हाँ कभी कभी हम लोग क्या यूज़ करते हैं वैसे डायलेटर ड्रग्स जैसे कि हिस्टामिन देते हैं डायलेशन के लिए कभी कभी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फिजोलॉजिकल फ्लैशिंग डोजेज ऑफ निकोटेनिक एसिड का हाँ करते हैं हम लोग इसमें निकोटेनिक एसिड कभी कभी इन पैरालिसिस अगर पैरालिसिस परमानेंट है तब तो हमें सर्जिकल एनेस्टमोसिस करना पड़ेगा ऑफ द नर्व हैज आउट सम सक्सेस तब तो हमें सर्जिकली उसको एनेस्टमोसिस uh, करना पड़ेगा उसके नर्व्स को ओके okay? अगर परमानेंट पैरालिसिस है तो गाइज ये था ट्रीटमेंट एंड प्रोग्नोसिस और ये बाल्स पालसी आई होप आप समझ गए होंगे अगर कुछ नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट कीजिए मैं उस अकॉर्डिंग आपको समझाने की कोशिश करूंगा थैंक यू सो मच ऐसे ही पढ़ते रहिए